वॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन, ये भी बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर दिया है भाई। बॉर्डर लाइन को पहले तो देखो हमेशा कन्वर्ट करो, इसका मतलब क्या है, ये जो ओ डबल है पहले तो ना शरीफाना रिएक्शन में अपने तरीके से कन्वर्ट कर लो भाई। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और देखो बॉर्डर लाइन में कभी हाइड्रोजन शो नहीं करते, वैलेंसी चार पूरी नहीं हो रही ना इस कार्बन की, एक तरफ सी एच थ्री है तो यहाँ एच होगा यानी एल्डिहाइड है, और दो कार्बन वाला या तो इथानल या एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन दो कार्बन तीन और OH यानी अल्कोहल यानी प्रोपानोल, ठीक है। अब बेटा मेरी एक मैजिकल ट्रिक याद रखो, जब भी अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेंगे ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्कोहल का जो एच है ना हमेशा ये ओ अट्रैक्ट कर लेगा। पहली बार डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ये याद रखो और एच यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो बेटा सी एच थ्री अपनी जगह था, एच अपनी जगह था, अब एक वैलेंसी खाली हो गई और यहाँ का एच चला गया तो ये ओ सी थ्री एच सेवन अकेला है, तो ये बनेगी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें इसे बॉर्डर लाइन में कन्वर्ट करना है, ये भी एक बड़ा मसला है। ऑप्शन में देखेंगे बॉर्डर लाइन के लिहाज से क्या बने, यानी कार्बन जो है अब इसके चारों वैलेंसीज फिल हैं और एक तरफ, अच्छा बॉर्डर लाइन में एश शो नहीं होता, ठीक है। तो आए देखते हैं भाई, डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन का रहेगा ही नहीं, ये दो ऑप्शन तो धुरफट्टे में हो गए, लेकिन मेरे भाई ये ओ मौजूद है, एक ओ मौजूद होना चाहिए। ऑप्शन बी में ओ भी मौजूद नहीं है, डी होगा। देखो ये हमारा सेंट्रल कार्बन हो गया ये वाला, बॉर्डर लाइन का मतलब है ये सी एच थ्री, ठीक है, एक तरफ ओ एच और एक तरफ होना चाहिए ओ सी थ्री एस सेवन, तो ओ ये है सी थ्री एस सेवन, ये हो गया। बॉर्डर लाइन में कभी ये खाली एच को शो नहीं करते, तो करेक्ट आंसर